पंद्रहवीं वाहिनी एनडीआरएफ गदरपुर के द्वारा टीम लीडर इंस्पेक्टर तिरेपन सिंह रावत के नेतृत्व में जीआईसी लोहाघाट में छात्र छात्राओं व अध्यापकों को आपदा के समय लोगों की जान बचाने के गुर सिखाते हुए डेमो के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। वह इंस्पेक्टर तिरेपन सिंह रावत ने बताया कि एनडीआरएफ के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में कैसे लोगों की जान बचाई जा सके इसकी जानकारी दी गई, साथ ही सभी से अपील करी कि इन सिखाई गई रेस्क्यू ट्रेनिंग को अपने आसपास के लोगों को भी साझा करें ताकि आपदा के वक्त अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं जीआईसी के प्रधानाचार्य ने कहा कि एनडीआरएफ आपदा के समय लोगों की जान बचाती है, इसलिए इन्हें देवदूत भी कहा जाता है। टीम के रेस्क्यूअर मिस्टर प्रदीप शर्मा जी के द्वारा मुझे बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक सिखाई गई, जिससे मैं आने वाली आपदा या जो भी आपदा हो उसमें लोगों की जान बचा सकता हूँ। उन्होंने हमको बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई हैं, जिससे कि आग बुझाई जा सकती है और अन्य उपचार भी किया जा सकता है। और अगर हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है तो हम किसी और की भी जान बचा सकते हैं। हमें उन्होंने ब्लड प्रेशर, मतलब वो जैसे किसी का खून निकलना है उसको कैसे रोकना है वो सिखाया। और उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ सिखाई, जैसे कि किसी के गले में कुछ अटक जाता है उसको कैसे निकालना है, चोकिंग ट्रिक सिखाई और हमें CPR देना भी सिखाया। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं संदीप कुमार कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पंडित बेनी राम पुनेता राजकीय इंटर कॉलेज है। आज हमें हमारे विद्यालय में NDRF की टीम द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे आपदा के बारे में बताया गया कि आपदा कैसे आती है, कैसी होती है, और हमें इसी के दौरान प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया गया कि जब किसी व्यक्ति का, हमारे साथी संगी दोस्त किसी का अगर अचानक से हाथ कर जाता है, खून आ जाता है, तो हमें उसे कैसे रोकना है, कैसे बंद करना है। और हमें बाढ़ के बारे में बताया गया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इसकी NDRF की टीम द्वारा समझाया गया, और ये हमारे लिए आगे बढ़कर बहुत फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। इस टीम के माध्यम से आपदाओं के लिए, कई प्रकार की जो आपदाएं, आपदाओं से निपटने के लिए बच्चों को टेक्निक सिखाई, जैसे कि मैन मेड और नेचुरल आपदाएं होती है, उनसे कभी भी आदमी को कोई भी किसी प्रकार की अनहोनी होती है या चोट लगती है, गिर जाना, रोड एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक के दौरान और फ्लड के दौरान किसी प्रकार की आपदा आती है, तो उस दौरान किस प्रकार के से अपने आप को और अपने साथी को, यहाँ तक अपने परिवार को भी सेफ्टी दी जा सकती है। इस प्रकार की घटनाओं से हम बच्चों को और शिक्षकों को रूबरू करवाया कि बेसिक स्टेज में आप लोग किसी भी एक घायल व्यक्ति की या अपने साथी की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हमने कंटिन्यू रखा, जिस उसमें अर्थक्यूब था, CPR था, FBO और फ्लड से रिलेटेड और फ्लड के जो इम्प्रोवाइज तरीके हैं, किस तरह से हम पानी अगर बाढ़ आ जाती उस समय एक बचाव दल और किसी व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार की टेक्निक को हमने बताया। और अमूमन रोड पे चलते समय अगर किसी को ब्लीडिंग हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता, उसको स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है और ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे किया जा सकता। ब्लीडिंग हमारे लिए, ब्लड का होना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जिसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को हमने बच्चों को प्रैक्टिकली तौर पर सिखाया और डेमोंस्ट्रेटर पर भी दिखाया किस प्रकार से एक व्यक्ति की आप जान बचा सकते हैं और किसी को लगी चोट को स्थिर कर सकते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए हायर हॉस्पिटल को भेज सकते हैं। इस टेक्निक का हमने अपने जो सीखे हुए तरीके से आपके माध्यम से जवानों को और बच्चों को सिखाया, और इस चीज़ के लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को के लिए टाइम निकाला, और मैं पुनः एक बार 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की ओर से, मैं तिरेपन सिंह रावत और अपनी टीम की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू। टीम आई है 15 बटालियन NDRF की टीम, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे इंस्पेक्टर श्री तिरेपन सिंह रावत जी। उनकी 16 सदस्यीय टीम ने पूरे मनोयोग के साथ बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो हमारे
आपदा आती है, आपदा से बचाव या आपदा के पूर्व आपदा के बाद हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे स्टाफ को और हमारे बच्चों को बहुत ही बढ़िया से बहुत ही अच्छे तरीके से डेमो करके उसको बताया गया है, सिखाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी यहाँ पर आज शिक्षा दी गई है या प्रशिक्षण हमारे बच्चों को दिया गया है इस टीम के द्वारा, निश्चित रूप से भविष्य में उनको अत्यधिक फायदेमंद होगी, बहुत ही लाभ उनका इस क्षेत्र को, इस समाज को और हमारे देश को मिलेगा। मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से, सारे शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से, बच्चों की तरफ से इन टीम के सदस्यों को, 16 सदस्य जो भी हमारे यहाँ टीम आई है सबको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से ये लोग पूरे मनोयोग से भविष्य में भी हमें आपदा और उसके बचाव के बारे में प्रशिक्षण या समय समय से मार्गदर्शन समय समय पर देते रहेंगे। मैं सभी को विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने आपने जो हमारे लिए अमूल्य समय निकाला उसके लिए भी मैं आपकी टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।